दोस्तों, कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके चार बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन छीन लिया। तब वो चारों भाई अपने नाना के घर चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों भाई चार दिशाओं में चल दिए। कुछ समय के बाद वे विद्या सीखकर दोबारा मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे चारों अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहां उन्हें एक मरे शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया और इकट्ठा करके ले आए। एक ने उसमें मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो गया। वो शेर बहुत भूखा था, उसने चारों को मारकर खा लिया। ये कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? तब विक्रम ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी तीन को ये पता नहीं था कि वो शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बेताल बोला, राजन, तुमने मार्ग में ना बोलने की अपनी शर्त तोड़ दी है। और फिर वो पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे फिर लाया। तब रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। वो कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे।